It is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. कहा था, बार बार था, हम सोचेंगे नहीं जवाब देंगे, दे दिया ना सरप्राइज। 21 मिनट का दावा करने वाले भारत के बुजदिल तैयारे 21 सेकंड पाकिस्तानी फिजा में ना रह सके। शाहिनों ने इस बार मार नहीं भगाया, मार गिराया। दो पायलट हलाक, एक गिरफ्तार। ताकत के बावजूद वजीर आजम इमरान खान का अम का पैगाम, कहते हैं जो चाहे वो कर सकते हैं लेकिन अम चाहते हैं। भारत को समझना होगा एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। हिंदुस्तान को पूरी ऑफर की किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार। किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशत गर्दी के ऊपर, हम तैयार। 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया। थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की कि हमारे पास कैपेबिलिटी विल रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। ये जवाब नहीं सिर्फ सलाहियत का मुजाहिरा किया है, 6 टारगेट सिलेक्ट किए थे। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस ब्रीफिंग, कहा भारतीय तैयारों ने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। एक तैयारे का मलबा आजाद और दूसरा मकबूजा कश्मीर में गिरा। F-16 से मुतालिक भारतीय झूठ भी शोर। दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए, उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया। मिलकर बैठे बातचीत करें, जंग मसलों का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। तुम्हारी इस ऑफर को, हुकूमत पाकिस्तान की ऑफर को, इंडिया को चाहिए ठंडे दिल से गौर करें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। कशीदगी बढ़ाना नहीं बल्कि अम के रास्ते पर चलना चाहते हैं। दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। भारत को चाहिए पाकिस्तान की पेशकश पर ठंडे दिल से गौर करे। मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and the officers of the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed. इंसानियत क्या होती है भारत पाकिस्तान से सीखे। गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन ने खुद एतराफ कर लिया, कहा पाक फौज का रवैया इंतहाई मुतासिर कुन है, भारतीय फौज को भी यही रवैया अपनाना चाहिए। अभिनंदन चाय की चुस्कियां भी लगाता रहा। दिन भर झूठ बोलने के बाद भारत को सच मानना ही पड़ा। लड़ाका तैयारे MiG-21 की तबाही तस्लीम कर ली। पाकिस्तान में गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को भी वापस करने का मुतालबा। फौज को सियासत में घसीटने पर भारतीय ओपोजिशन की मोदी पर शदीद तनकीद, मुश्तरका बयान जारी। पाकिस्तान का जवाब मिला तो भारत के पसीने छूट गए। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का कहना है मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहते। भारतीय जारहत और दर अंदाजी पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा OIC और तुर्की से राब्ता। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के खदशात और तशवीश से बाखबर कर दिया। भारत की जानिब से जंगी जुनून और जारहत से मुतालिक भी आगाह कर दिया। भारत होश के नाखून ले और जहरियत पर नजरेसानी करे। तर्जुमान डॉक्टर फैसल कहते हैं दिफा में कार्रवाई की गई, पाकिस्तान तनाव बढ़ाने के हक में नहीं, लड़ाई में आगे बढ़ना नहीं चाहते लेकिन मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारतीय जारहत पर पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। DGISPR की पार्लिमानी रहनुमाओं को भारत के खिलाफ पाकिस्तान के जवाबी इकदाम पर ब्रीफिंग। कल वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास तलब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुला लिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी रहनुमा एक सफ में खड़े हो गए। कौम को पाक फौज पर फख्र है,
सेनेटर फैसल जावेद का खिराज तहसीन, जंग मुसलत की गई तो लड़कर दिखाएंगे, शेख रशीद का ऐलान, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, एतजाज का रद्द अमल, शरीर रहमान और कायरा कहते हैं कौम पाक फौज के साथ है, भारतीय तैयार गिराने पर फौज को खिराज तहसीन, पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर। भारत के होश उड़ गए, परवाजें रुक गईं, भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर के एयरपोर्ट्स 3 महीने के लिए बंद कर दिए गए, मईशत भी लड़खड़ाने लगी, भारतीय रुपए की कदर में 40 पैसे कमी, डॉलर 71 रुपए 47 पैसे का हो गया। ये धरती माँ हमारा माँ है, हम आप माँ पे मरना जानते, पाक फौज के साथ हम शाना बशाना लड़ेंगे। मुसल्ला फौज ने जो कार्रवाई करके हिंदुस्तान के जो जहाज गिराए हैं, ये इससे हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं। इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं और इसी तरह इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय तैयारे गिराने पर पाकिस्तान के आवाम खुश, पाक फौज पर फूल निछावर कर दिए, कोयटा, सिब्बी, सांगढ़, हारूनाबाद समेत मुल्क भर में रैलियां, फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, कराची की खवातीन ने भी दुश्मन को आड़े हाथों ले लिया, लाहौर और पिशावर समेत दीगर शहरों के तलबा तालबात भी मैदान में आ गए, मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तान के हक में नारे। भारतीय जारी है भारत का ब्लंडर करार, आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगु करते हुए साबिक एयर चीफ सोहेल अमान ने कहा पाकिस्तान इखलाकी तौर पर एक अच्छी पोजीशन पर आ गया है, दोनों ममालिक को मुजाकरात की मेज पर आना चाहिए, हम जिनेवा कन्वेंशन के रूल्स पर अमल पैरा है। कहाँ जाना है? जंग पे। किसके साथ जंग हो रही है? पापा के साथ जाऊंगा। जंग किसके साथ हो रही है? जंग इंडिया के साथ। तो जंग पे क्या करोगे आप जाके? मैं गन्ने चलाऊंगा, इंडिया को मार दूंगा। तो आप तो छोटे हो, अभी तो ना बेटा, अभी नहीं जा सकते। दुश्मन सुन ले, वतन के दिफा में मुल्क के मासूम फूल भी खड़े हैं, पाकिस्तान का 4 साल का बच्चा भी भारत को नहीं छोड़ेगा। भारतीय जारी हद का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी फनकार और क्रिकेटर्स का पाक फौज को सलाम, अम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, फनकारों का भारत को पैगाम, पहल भारत ने की बंद ही भारत करे, क्रिकेटर्स ने भी वाज़ेह जवाब दे दिया। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं किरण रिजवी, बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे भारतीय जारी हद के मुंह तोड़ जवाब की। और नाजरीन, हमने जो कहा वो कर दिखाया, दुश्मन के तैयारों को इस बार मार भगाया नहीं, मार गिराया, पाक फजाइए के F-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फजाइए के 2 तैयारों को तबाह कर दिया, लेकिन ये भारतीय जारहियत का जवाब नहीं था, ये हमारी सलाहियत का मुजाहरा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि आज की कार्रवाई का मकसद सिर्फ ये था कि भारत को बता सके हम न सिर्फ मुकम्मल तौर पर अपना दिफा कर सकते हैं बल्कि भरपूर कार्रवाई करने की सलाहियत भी रखते हैं। अगर भारत पाकिस्तान में कुछ कर सकता है तो हम भी भारत में घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं। ताकत के मुजाहरे के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने अमन का पैगाम दिया, कहा दोनों ममालिक को मिल बैठ कर मसाइल हल करना चाहिए क्योंकि जब जंग शुरू होगी तो ना मेरे कंट्रोल में रहेगी ना मोदी के। उन्होंने पुलवामा वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। आज हमने एक्शन लिया, हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअलिटीज ना हो, सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं, सिर्फ इसका ये मकसद था। हम जब पूरी तरह तावन करने के लिए तैयार थे, मुझे ये खदशा था कि उसके बावजूद हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लेना, हमारी मजबूरी होगी रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि कोई भी सॉवरन मुल्क ये किसी मुल्क को इजाजत नहीं देता कि वो उसके मुल्क के अंदर कार्रवाई करे और खुद ही फैसला कर ले कि वो उसने जुर्म किया, जज जूरी और एग्जीक्यूशन खुद ही बन जाए। तो हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया, और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि पायलट्स हमारे साथ हैं कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास है, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए
कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी, ना मेरे कंट्रोल में होगी ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, हिंदुस्तान को पूरी ऑफर की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल, हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल। और सिर्फ अमन का पैगाम दिया, कहा कि पाकिस्तान के पास भारतीय दरअंदाजी का जवाब देने के सिवा और कोई चारा नहीं था, लेकिन हम जिम्मेदार रियासत हैं और अमन चाहते हैं। हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया और अपने टारगेट को पूरा किया, जिसका मकसद ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन खित्ते के अमन की वजह से नहीं करना चाहते। दोनों रियासतों के पास सलाहियत है, लेकिन भारत को समझने की जरूरत है कि जंग सिर्फ पॉलिसीज की नाकामी है। हम बढ़ावा नहीं, हम अमन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। भारत को चाहिए पाकिस्तान की पेशकश पर ठंडे दिल से गौर करे और देखे हम कहां जाना चाहते हैं। रिटेलिएशन इन ट्रू सेंस नहीं थी, लेकिन ये बताना कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार रहना चाहते हैं, हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पर नहीं करना चाहते। वी हैव ऑलवेज कन्वेड अ मैसेज ऑफ पीस टू इंडिया, एंड द रूट टू पीस गोज थ्रू डायलॉग। बोथ कंट्रीज हैव द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, बट वॉर इज एक्चुअली द फेलियर ऑफ पॉलिसी विच इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड। जंग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शुरू करना आसान है, खत्म कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता। तो आइए मिलकर बैठें, बातचीत करें। जंग मसलों का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। जी हाँ, पाक फिजाइया ने अपनी हदूद में रहते हुए 6 अहदाफ का इंतखाब करके 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया। 3 भारतीय फिजाइया के अहलकार मारे गए जबकि 1 गिरफ्तार हो गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाक फिजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मकबूजा कश्मीर में 6 टारगेट को इंगेज किया। हमारी फजाइया ने अपनी हदूद में रहकर हदफ मुकर्रर किए, हमारे पायलट्स ने टारगेट को लॉक किया और फिर महफूज फासले और खुली जगह पर स्ट्राइक की। 1 तैयारा पाकिस्तानी हदूद में जबकि दूसरा मकबूजा कश्मीर में गिरा।